स्वागत है आप सभी का यू एग्री के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज इस वीडियो में बीएससी एग्रीकल्चर के फर्स्ट सेमेस्टर में जो दो पेपर होता है, बेसिक एग्रीकल्चर फर्स्ट और बेसिक एग्रीकल्चर सेकंड, उसके बारे में पूरी जानकारी देखेंगे कि इसमें बेसिक एग्रीकल्चर फर्स्ट में और बेसिक एग्रीकल्चर सेकेंड में किन किन विषयों को पढ़ना होता है और उनका जो कि सिलेबस क्या है, ये सब चीज़ें जो है हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। देखिए, पहले बेसिक एग्रीकल्चर फर्स्ट और सेकंड का पेपर किसे देना होता है? तो बेसिक एग्रीकल्चर फर्स्ट और सेकंड का पेपर उन छात्रों को देना होता है जो ट्वेल्थ में मैथ और बायो स्ट्रीम से पढ़कर आए हैं, यानी जो एग्रीकल्चर के बारे में क ख ग नहीं जानते हैं, उन्हें बेसिक चीज़ों को बताने के लिए बेसिक एग्रीकल्चर फर्स्ट और बेसिक एग्रीकल्चर सेकेंड का पेपर होता है। अब बेसिक एग्रीकल्चर फर्स्ट में एग्रोनॉमी, सोयल साइंस, हार्टिकल्चर, प्लांट पैथोलॉजी, ये चार विषयों से संबंधित चीज़ें हैं। चार विषयों की, इन चार विषय हैं, उनको उनके बेसिक चीज़ों को पढ़ना होता है। इसी का पेपर जो है कि बेसिक एग्रीकल्चर फर्स्ट में होता है। इन्हीं विषयों से रिलेटेड क्वेश्चन जो है कि बेसिक एग्रीकल्चर फर्स्ट में पूछे जाते हैं। अब फर्स्ट सेमेस्टर में एग्रोनॉमी पढ़ ही रहे होंगे, सोयल साइंस, हार्टिकल्चर, प्लांट पैथोलॉजी, ये सब चीज़ें आपको सेमेस्टर वाइज धीरे धीरे जैसे आप बढ़ते जाएंगे सेकंड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में आपको पढ़ाई जाएंगी। पहले एग्रोनॉमी को हम लोग देखते हैं कि एग्रोनॉमी जो है कि बेसिक एग्रीकल्चर के फर्स्ट में एग्रोनॉमी से क्या क्या क्वेश्चन आने वाले हैं, क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। आप एग्रोनॉमी में एग्रोनॉमी का डिफिनेशन, एग्रोनॉमी का स्कोप, एग्रोनॉमी का जो है कि इसको फादर कौन है, एग्रोनॉमी के बारे में और सारी चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हैं उसको पढ़ लीजिए। इसी से चीज़ें आपसे जो है कि बेसिक एग्रीकल्चर में इन्हीं चीज़ों, एग्रोनॉमी से यही सब चीज़ें पूछी जाएंगी। सोयल साइंस, इसी तरह सोयल साइंस से, सोयल साइंस का डिफिनेशन, सोयल साइंस होता क्या है, सोयल साइंस सोयल क्या होता है, सोयल के टाइप क्या है, सोयल का इंपॉर्टेंस क्या है, ये सब चीज़ जो है सोयल साइंस से पढ़ना होता है। हार्टिकल्चर में, हार्टिकल्चर में देखेंगे हार्टिकल्चर का डिफिनेशन, हार्टिकल्चर के फादर, हार्टिकल्चर के ब्रांचेस क्या है, हार्टिकल्चर क्या है, ये सब चीज़ें जो हार्टिकल्चर में देखेंगे। हार्ट मतलब सभी विषयों का जो है बेसिक चीज़ें देखते हैं, जो बहुत ज़्यादा उसमें डीपली नहीं जाएंगे, क्वेश्चन भी डीपली नहीं आपसे पूछा जाएगा। और एक प्लांट पैथोलॉजी, कोई भी क्रॉप, कोई भी प्लांट किन्हीं ना किन्हीं कारण से जो कि डिजीज उसको अटैक करते हैं, अब डिजीज से किस तरह से मुक्ति प्राप्त किया जाए, डिजीज से किस तरह से बचा जाए, ये सब चीज़ों का अध्ययन जो है प्लांट पैथोलॉजी में करते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें, प्लांट पैथोलॉजी का डिफिनेशन, प्लांट पैथोलॉजी के जनक यानी फादर, ये सब चीज़ें प्लांट पैथोलॉजी में देखेंगे। तो बेसिक एग्रीकल्चर की जो चीज़ें हैं फर्स्ट पेपर, वही उसी को फर्स्ट और सेकंड करके दो भागों में डिवाइड कर दिया गया। तो हम लोगों ने बेसिक एग्रीकल्चर के फर्स्ट पेपर में किन किन विषयों से क्वेश्चन आते हैं इन चीज़ों को देखा। हमने देखा कि इसमें एग्रोनॉमी, सोयल साइंस, हार्टिकल्चर और प्लांट पैथोलॉजी, इन्हीं चार विषयों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन्हीं की बेसिक चीजें जो है कि बेसिक एग्रीकल्चर फर्स्ट के पेपर में आने वाली हैं और यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। होता क्या कि चीजें पता ही नहीं होती कि एग्रीकल्चर, बेसिक एग्रीकल्चर में फर्स्ट पेपर में क्या पूछा जाएगा, सेकंड पेपर में क्या पूछा जाएगा, ये किन किसको पेपर देना होता है, ये सब चीजें नहीं पता होती, थोड़ी समस्या होती है। लेकिन इसी समस्या के लिए जो कि ये वीडियो है, देखिए अब बेसिक एग्रीकल्चर सेकंड का जो पेपर होता है उसमें किन किन विषयों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आपको एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से, एनिमल हस्बेंड्री से और इकोनॉमिक्स से, इन्हीं तीन विषयों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, हम लोग खेतों की जुताई करते हैं, विभिन्न तरह के जो है कि उसके लिए हल की जरूरत पड़ती है, प्लाउ की जरूरत पड़ती है, जैसे मिट्टी पलट हल हो गया, ना साधारण हल हो गया, फिर जो है कि रोटावेटर हो गया, इत्यादि बहुत सारी चीज़ें, फिर कुदाल, फावड़ा, फरसा, खुरपी, अन्य चीज़ें। और उधर फिर हम जाएंगे जब फसल हमारा तैयार होता है तो हार्वेस्टिंग करते हैं, मशीन चाहिए, थ्रेसिंग मशीन चाहिए, हार्वेस्टिंग मशीन चाहिए, ये सब चीज़ें क्या है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के अंतर्गत हम लोग ये चीज़ें पढ़ते हैं। ट्रैक्टर वगैरह के बारे में जो भी चीज़ें हैं ये एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में हम लोग देखेंगे। एनिमल हस्बेंड्री, वही पशुओं का रख रखाव, पशुओं को पालते हैं, पशुओं से हम लोग प्रोडक्शन प्राप्त करते हैं, ये सब चीज़ें जो भी हैं एग्रीकल्चर के जो है कि एनिमल हस्बेंड्री जो है इसमें हम लोग पढ़ते हैं, वही बेसिक चीज़ें इसमें भी पूछी जाएंगी। इकोनॉमिक्स, अब बीज खरीदना हुआ, खेत की जुताई देनी हुई,
हाँ, ये सब चीजें जो है, या हमें अपना जो कि हमारा प्रोडक्ट तैयार हो जा रहा है तो हम किस तरह से मार्केट में लेकर जाएंगे, किस तरह से जो कि हम अधिक से अधिक जो है कि पैसे उससे जो है कि इनकम प्राप्त करेंगे, कहाँ हम बेचेंगे, मार्केट कहाँ होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, ये सब चीज जो है हम लोग एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। और उन्हीं सब चीज़ों का बेसिक चीजें जो है, बेसिक चीजें इकोनॉमिक्स की, बेसिक चीजें जो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की है, वही इस पेपर में, बेसिक एग्रीकल्चर सेक्टर के पेपर में पूछी जाती है, वहीं से क्वेश्चन बनता है। एक बार फिर देखिए कि बेसिक एग्रीकल्चर में जो सेकंड पेपर है उसमें क्या है कि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एनिमल हस्बेंड्री और इकोनॉमिक्स, इन्हीं से, इन्हीं तीन विषयों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस जान जाएंगे सब चीजों को कि उसका मूल चीजें जो फंडामेंटल चीजों को जानते हैं। अब आप एक काम कीजिएगा, जो आपके क्लासमेट होंगे जिनका जो 12th में एग्रीकल्चर पढ़कर आए होंगे, उनसे आप लोग उनका एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, हॉर्टिकल्चर, प्लांट पैथोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एनिमल हस्बेंड्री और इकोनॉमिक्स, इन विषयों की किताबें उनसे मांगिएगा, थोड़ी थोड़ी चीजें उसको पढ़िएगा और ये पेपर आपके लिए आसान हो जाएगा, उसमें कोई समस्या नहीं है। एक बात ध्यान रखिए कि ये पेपर हमारे लिए बहुत आवश्यक इसलिए हो जाता है कि जो छात्र हैं वो मैथ स्ट्रीम से और बायो स्ट्रीम से आए हैं, उन्हें एग्रीकल्चर के बारे में जानकारी प्राप्त ही पता ही नहीं है। अब जब इस पेपर को हम पढ़ लेते हैं तो क्या होता है कि आगे के सेमेस्टर में जो भी जो कि विषय हमको पढ़ाए जाएंगे उसके बारे में हम लोग जानकारी आसानी से प्राप्त कर लेते हैं और वो चीज़ें हमें समझ में आती हैं, फिर आगे का रास्ता हमारा जो होता है आसान हो जाता है। उसी उद्देश्य से आपको ये दो पेपर कराए जाते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर भी इसे करा लिया जाता है कि जो छात्र हैं वो भी एग्रीकल्चर वाले छात्रों के मुख्य धारा में जुड़ जाए। आशा है कि आप बेसिक एग्रीकल्चर फर्स्ट और बेसिक एग्रीकल्चर सेकेंड जो दो पेपर, इसको लेकर जो आपके मन में संशय था वह संशय दूर हो गया होगा। आप विषय देख जान ही गए कि कौन कौन से विषय आने वाले हैं, इसका हमें क्या क्या पढ़ना है, उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी कीजिए। बाकी और जो भी चीज़ें समस्या है उसमें जो चीज़ें आपको अभी नहीं पढ़ाई जा रही हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, उन सब चीज़ों को जो है कि हम लोग वीडियो लाकर आपको बताने का प्रयास करेंगे, जैसे आपको एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वगैरह की चीज़ें जो भी हैं और इकोनॉमिक्स, उसमें जो है कि प्लांट पैथोलॉजी, ये सब चीज़ें जो भी हैं, इसको आपको वीडियो के माध्यम से इसकी जानकारी, इसकी बेसिक चीज़ें आपको बता दी जाएंगी, आपको पेपर आसान करा दिया जाएगा। पेपर के लिए आपको जो है कि ज़्यादा इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।